उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश में इस समय लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है। इस महायज्ञ का छठा चरण पूरा हो चुका है और अंतिम सातवां चरण 1 जून को होना है। पूरे देश में घूमने के बाद मैं एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पूरे देश में एक समान वातावरण है। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक सभी जगहों पर लोगों ने पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को सकारात्मक रूप से देखा है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तुष्टीकरण और एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने की नीति का उल्लेख किया गया था। एक सशक्त राजनीतिक दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि देश में चल रहे तुष्टीकरण और कांग्रेस पार्टी के मंसूबों को जनता के समक्ष उजागर करें। उपस्थित हमारे पत्रकार भाइयों एवं छायाकार बंधु, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया समेत सभी आए हुए सभी बंधुओं का, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूँ, देवभूमि हिमाचल के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सभी भाइयों को, सभी बहनों को मेरा नमस्कार। और आप सभी जानते हैं कि इस समय देश के अंदर लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है और इस लोकतंत्र के महायज्ञ का 6 चरण पूरे हो चुके हैं। अंतिम 7वां चरण 1 जून को होना है और उसके आज प्रचार अभियान का आज अंतिम दिन है, आज प्रचार थम जाएगा। तो पूरे देश के अंदर अनेक स्थानों पर इस चुनाव प्रचार अभियान के दौरान मेरा जाना हुआ है, अनेक राज्यों पर, अनेक रोड शो के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से। पूरे देश में जाने के बाद मैं एक बात कह सकता हूं कि पूरे देश में जिस प्रकार का वातावरण है, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक संपूर्ण देश के अंदर, थोड़ा माइक से नजदीक कर लो, कम आ रही है क्या? संपूर्ण देश के अंदर एक ही वातावरण है कि लोग पिछले 10 साल का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का कालखंड है, उस 10 साल के कालखंड को जिस प्रकार से लोगों ने देखा है, उसका एक एक पल और एक एक क्षण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए समर्पित किया है और देश 10 सालों में तेजी से आगे बढ़ा है और हमारी पार्टी भी इस लोकसभा के चुनाव को बहुत ही सकारात्मक मुद्दों पर लड़ना चाहती थी और इसलिए बीते 10 वर्षों का जो रिपोर्ट कार्ड था वो जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया। किंतु जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में तुष्टीकरण और एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने का उस मैनिफेस्टो में पूरा उन्होंने उल्लेख किया था। एक सशक्त राजनीतिक दल होने के नाते हमारी यह भी जिम्मेदारी है कि जो देश के अंदर तुष्टीकरण चलता रहा और उसी तुष्टीकरण को फिर से कांग्रेस पार्टी अब देश पर थोपना चाहती है, ऐसे घिनौने जो मंसूबे हैं, एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के जो मंसूबे हैं, उन मंसूबों को जनता के समक्ष लाया जाए, उससे परिचित कराया जाए। बीते 10 वर्षों में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, देश के अंदर एक्सप्रेस वे बने हैं, रेलवे, वंदे भारत जैसी हमारी ट्रेनें, स्वदेशी ट्रेनें देश को समर्पित हुई हैं, इसके साथ साथ नए विश्वविद्यालय बने हैं, नए IIT बने हैं, नए IIM बने हैं, नए एम्स बने हैं और पिछले 70 सालों में जितने हवाई अड्डों का निर्माण नहीं हुआ उससे ज़्यादा हवाई अड्डे पिछले 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में बने हैं। सोलर एनर्जी पर भी फोकस किया गया है और इसके साथ साथ देश में जो अनेक प्रकार की चुनौतियां
देश के अंदर आई है, उन चुनौतियों पर भी उनको स्वीकार करते हुए पूरे देश की भावनाओं के अनुरूप, जरूरत के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे वो कोरोना जैसी महामारी का सामना करना हो या मुफ्त का टीकाकरण, इतने बड़े देश के अंदर बिना किसी रुकावट के उसको संपन्न कराना हो, या गरीब कल्याण अन्न योजना जिसमें 5 किलो अन्न मुफ्त में देने की योजना हो, जन कल्याण और गरीब कल्याण सदैव ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की प्राथमिकताओं में रहे हैं। बात करें इंडी गठबंधन की, बात करें राहुल गांधी की, बात करें या देश के अंदर अनेक शहजादे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, ये सिर्फ सत्ता इनको राज करने के लिए चाहिए। सत्ता पाने के लिए ये लोग एक खास वोट बैंक को साधते साधते इतने नीचे गिर जाते हैं, तो इनका बस चले तो देश के जो संसाधन हैं इसके साथ साथ देश की संपत्ति भी छीन कर ये अपने जो खास इनका वोट बैंक है उनके चरणों में डाल दें। चाहे बात दलितों की हो, पिछड़ों की हो, या आरक्षण में मुसलमानों को शामिल करने की हो, या फिर संसाधनों में, इनको हमेशा ये पहला हक देने की बात करते हैं। और ये काम इन्होंने आज कर्नाटका में कर दिया, वहाँ की बहुत सारी जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में, जो मुस्लिम जातियाँ हैं उनको शामिल करके उनको अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण देना शुरू कर दिया। जबकि देश का संविधान हमेशा ये कहता है, उसमें संविधान में प्रावधान किया गया है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा, जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, उसको भी इन्होंने संविधान को एक तरह से पिछले दरवाजे से उसके साथ भी खिलवाड़ करने का काम किया है। संविधान की मूल भावना पर इन्होंने चोट किया है। और जब अभी कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आया है तो कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को भी ममता बनर्जी चैलेंज करती हैं, और समय समय पर इनके गठबंधन के जो लोग हैं वो बार बार एक वर्ग विशेष को आरक्षण देने की बात करते हैं। ये काम इन्होंने कर्नाटका में किया, ये काम इन्होंने संयुक्त आंध्र में किया, अब ये पूरे देश के अंदर इस प्रकार का एक तुष्टिकरण और एक षड्यंत्र देश के अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, जनजाति, इन सब लोगों के साथ भी ये करना चाहते हैं। मुझे सच बताऊं तो चूंकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, मैं जब जब राहुल बाबा के बारे में सोचता हूं तो एक तरह से उनके ऊपर मुझे लगता है कि जबरदस्ती थोप दिया जाता है, दया जैसी आती है कि हर बार उनको एग्जाम में बैठा दिया जाता है, और एग्जाम का जो पेपर में क्या आने वाला है उनको ठीक प्रकार से, उनका होमवर्क भी नहीं होता है, ठीक प्रकार से जानकारी भी नहीं होती है, और उनका रिजल्ट हमेशा वही आता है। इस बार भी रिजल्ट वही आएगा जो पिछले 10 वर्षों से रिजल्ट लगातार आता रहा है। तो ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज देश के सामने आए हैं। कई बार लोग कहते हैं कि साहब जो है अब ये चुनाव किसी उस पर चला गया है, विशेष मुद्दों पर चला गया है या ध्रुवीकरण पर चला गया है, तो इसमें यही बात है कि जब देश के अंदर सुशासन हुआ है, 10 सालों में देश के अंदर ऐसे ऐसे फैसले लिए गए हैं जो फैसले वास्तव में देश की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक लोग उसकी प्रतीक्षा करते थे। चाहे देश में धारा 370 का समापन हो, CAA का कानून देश के अंदर लागू किया गया हो, या सर्जिकल स्ट्राइक की गई हो, या भगवान राम का भव्य मंदिर बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, ऐसे अनेकों काम देश के अंदर ऐतिहासिक निर्णय के रूप में लिए गए। वहीं गरीब कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में अनेक काम हुए, अनेक योजनाएं गरीबों को, जीवन को आगे लाने के लिए की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हुआ, हर क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ा है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है, दुनिया आज भारत को एक विश्वास की नज़र से देख रही है, एक आस्था भारत पर लोगों की बढ़ी है। कोरोना महामारी में जिस प्रकार से कोरोना की वैक्सीन संपूर्ण दुनिया को देने का काम भारत की सरकार ने किया है, वो वास्तव में जो हमारी संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम की, उसको मजबूत करने का काम किया है। तो आज मैं देख रहा हूँ देश के अंदर जो हम लोगों ने शुरू से संकल्प लिया था 400 पार का, वो 400 पार का हमारा संकल्प बिल्कुल 400 पार के पार जा रहा है,
मैं हिमाचल में कल से हूँ। हिमाचल में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर चार की चार सीटें, हर बार यहाँ के हिमाचल वासियों ने, देवभूमि के लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमेशा यहाँ से दी हैं। छह विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, क्योंकि यह भी पूरे देश के अंदर जाने के बाद मैं कह सकता हूँ, जहाँ जहाँ भी डबल इंजन की सरकारें हैं वहाँ विकास तेज गति से आगे बढ़ा है। देवभूमि हिमाचल हो, देवभूमि उत्तराखंड हो, ऐसे राज्य आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हृदय में बसते हैं। हिमाचल के लिए उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक योजनाएं आई हैं, और जो हिमाचल की सरकार है, जिसको बहुत आशा और अपेक्षाओं के साथ यहाँ के लोगों ने सत्ता सौंपी थी, उन्होंने जो वायदे महिलाओं के लिए किए थे, नौजवानों के लिए किए थे, यहाँ की आम जनता और सामान्य जनता के लिए किए थे, उन वायदों पर वो खरे नहीं उतरे। कोई भी काम उन्होंने पूरे नहीं किए हैं, और ये केवल हिमाचल में ही नहीं हो रहा है। जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है वहाँ बहुत जल्द जल्द लोगों में उनके प्रति एक आक्रोश तेजी से पनपा है। मैं तेलंगाना गया था, वहाँ भी कुछ समय पहले ही सरकार बनी है, लेकिन वहाँ भी इसी प्रकार के वायदे करके ये लोग सरकार में आए थे, लेकिन आज वहाँ भी वायदे पूरे नहीं हो रहे हैं, यहाँ भी पूरे नहीं हो रहे हैं। इसलिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हिमाचल के लोग अपना मत देंगे, अपना समर्थन देंगे, और प्रचंड बहुमत से चारों लोकसभा सीटों को जिताएंगे। छह जो उपचुनाव हो रहे हैं, उन उपचुनावों में भी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी। महिला सशक्तिकरण के दशक के रूप में भी याद करेगा, ये इतिहास में अंकित हो गया कि देश की आज़ादी के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश को प्रतीक्षा थी, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं को 33% का आरक्षण, नारी शक्ति बंधन विधेयक देश में आज पास हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घरों की चाबी सौंपना हो, या इज्जत घर बनाने हो, या जल जीवन मिशन में हर घर को पानी पहुंचाना हो, उज्ज्वला योजना गैस के फ्री सिलेंडर हो, ऐसी अनेक योजनाएं, लखपति दीदी योजना हो, ड्रोन दीदी योजना हो, महिला स्वयं सहायता समूह को देश के अंदर सशक्तिकरण करना हो, और प्रति व्यक्ति आयु बीते 10 वर्षों में लगभग डबल हो गई है। कोरोना महामारी का दंश झेलने के बावजूद भी महंगाई की दर नियंत्रण में रही है, अर्थव्यवस्था की विकास दर दुनिया में सबसे तेज भारत में हुई है, वैश्विक मंचों पर भारत की जो स्थिति है वो मजबूत हुई है। आप सब चूंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप सब भली भांति जानते हैं एक दौर वह भी था 2014 से पहले का, जब भारत विश्व के मंचों पर अपनी बात भी नहीं कह पाता था, अपने हितों को भी नहीं मनवा पाता था, और हमारी ऐसी पहचान बन गई थी कि हम दब्बू भारत हैं, पिछलग्गू भारत हैं, और घपले घोटालों के देश के रूप में हमारी पहचान हो गई थी। ऐसे स्थिति से भारत को किसी भी वैश्विक मसले पर दुनिया अब सबसे पहले भारत का नजरिया जानना चाहती है। दुनिया की कोई भी घटना दुनिया के अंदर घटित होती है तो पूरी दुनिया आज भारत के रुख का इंतजार करती है। ये नया भारत बनाने का काम किया है, और अर्थव्यवस्था के मामले में भी कोरोना महामारी में जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई, लड़खड़ा गई, बड़े से बड़े देश आज बुरी तरह से अपनी अर्थव्यवस्था से परेशान हो गए, उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, ऐसे समय में भी भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। और एक एक पल और एक एक क्षण आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को समर्पित किया है, और 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर काम किया है। और ये जहां एक तरफ पूरे समर्पित भाव से प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए काम कर रही है, वहीं ये भारत के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि आज जो विपक्ष है वो सतही विपक्ष मिला है, नकारा है, इसलिए इनके लिए सत्ता में आना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक सकारात्मक विपक्ष को देश की तरक्की में उनका क्या विजन होगा, ये देश के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। आजकल आप देख रहे होंगे राहुल गांधी और उनके सहयोगी जो गठबंधन के लोग हैं वो बार बार खटाखट की रट लगाते रहते हैं। दरअसल
ये सब लोग एक ऐसी व्यवस्था के तहत राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं कि इनको जो है अपने घर से, अपने परिवार से ये चीज़ें सब विरासत में मिली हैं। इनके लिए चूंकि ये चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए और ये इनको आसानी से सब कुछ प्राप्त होता चला गया, खटाखट मिलता चला गया, इसलिए इन्हें नहीं पता कि संघर्ष क्या होता है, विजन क्या होता है, दृष्टि क्या होती है और उस पर अमल कैसे किया जाता है। मोदी जी के लिए हमेशा सेवा, कर्तव्य और गरीब कल्याण की ये यही बातें हमेशा से उनकी प्राथमिकता रही है। इसके ठीक अगर हम नहीं, उत्तराखंड में तेजी से विकास आगे बढ़ रहा है और पिछले 2 सालों में हमने जो इस तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया है, GST कलेक्शन भी हमारा बढ़ा है, हमने अन्य संसाधन भी जो हमारा टूरिज्म का, हॉर्टिकल्चर का या इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में आज काफ़ी तेज़ी से हम लोगों की ग्रोथ हो रही है। और पिछले वर्ष हमने देहरादून में एक इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का भी आयोजन किया था और लगभग 8000 एकड़ जमीन हमने जो है लैंड बैंक के रूप में बनाई है, जिसमें पूरे देश दुनिया के आज उद्योग समूह के 50 से भी अधिक देशों के लोगों ने भाग लेकर उत्तराखंड में अपना निवेश और अपना उद्योग लगाने की ओर हमको प्रस्ताव दिए हैं, जिसमें से 82,000 करोड़ की जो ग्राउंडिंग है वो ग्राउंडिंग शुरू हो गई है और उस पर धरातल पर काम हो रहा है। इससे राज्य की आर्थिकी भी बढ़ेगी, राज्य का जो हमारा ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ेगा, GDP भी जो हमने आने वाले वर्षों में डबल करने का जो एक संकल्प लिया है, उस संकल्प भी हमारा आगे बढ़ेगा। स्वामी जी, एक हिमाचल प्रदेश में एक इशू आजकल जो है कांग्रेस ने काफी बनाया है, ये उत्तराखंड का भी नाम आ रहा बार बार कि आपका मैं अनदेखी हुई हिमाचल की, उत्तराखंड के लिए पैकेज दिया, हिमाचल को नहीं दिया, और ये इसमें आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो हिमाचल हो या उत्तराखंड हो या देश के अन्य जो भी हमारे ऐसे हिमालयी राज्य हैं, उन राज्यों के बारे में मोदी जी के बनने के बाद हर दृष्टि से उनका ज़्यादा ध्यान दिया गया है और ये केवल राजनीति के लिए इस प्रकार की बातें जो हो रही हैं वो हिमाचल का जनमानस जानता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कार्यशैली है वो कभी भी पक्षपात और भेदभाव की नहीं है, क्योंकि वो हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस तर्ज पर काम करते आए हैं और इसका उदाहरण उनकी सभी योजनाएँ भी हैं। देश का एक समेकित रूप से विकास हो उनका रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ की जो राज्य सरकार उन संसाधनों को ठीक प्रकार से धरातल पर नहीं उतार पाई होगी या उन्होंने ठीक समय पर जो है अपने प्रस्ताव नहीं दिए होंगे, इस कारण से जो है देर हुई होगी, तो ये इनकी कमी है। लेकिन केंद्र के स्तर से कहीं कोई, मुझे लगता है कि इस प्रकार का कोई वो नहीं है, ये अनावश्यक रूप से एक दुष्प्रचार है जो हिमाचल की जनता भली भांति समझती है कि मोदी जी का कितना प्रेम हिमाचल से है। दुश्मन की गोली आती थी तो दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए भी आदेश लेना पड़ता था, लेकिन आदेश कभी लौट कर नहीं आता था। आज भारत की सेना गोली का जवाब, अगर एक गोली आती है तो 100 गोलों से देने का काम करती है, नया भारत बनाने का काम किया है। चाहे गलवान की घाटी में हमारे सैनिकों पर हमला हुआ हो, या त्वांग की घाटी में हमला हुआ हो, या पुलवामा में अटैक हुआ है, हर किसी भी मामले में भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। मोदी जी का नेतृत्व है, आज देश की सेना भी सशक्त है, आज भारत आंतरिक रूप से भी मजबूत है और सीमाओं की दृष्टि से भी मजबूत है। कोई भी जो है आज हमारी ओर आंख फुलाने की हिम्मत नहीं करता। पाकिस्तान जो हमको रोज आंखें दिखाया करता था, एक कोने में जाकर दुबक बैठ गया है। और हमारे देश के ही कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या हो गई है। इसलिए ये गंभीर नहीं है, ये लोग जो है आज इतने आगे निकल गए हैं कि देश मोदी जी की बुराई करते करते देश की बुराई भी करने शुरू कर दिया है इन्होंने, ये स्वयं ही नहीं जान पा रहे। लोकतंत्र में भ्रामक प्रचार रोकना बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड और उत्तराखंड के बारे में प्रचार है कि जो उत्तराखंड के प्रवासी हैं, जो भूमिहार है, उनकी जमीन सरकार 2026 तक लेकर भूमिहीनों को देगी। क्या उत्तराखंड सरकार इस बारे में कोई विचार कर रही है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो ऐसा प्रचार कहाँ से शुरू हुआ, क्यों? देखिए, ये जो भ्रामक प्रचार आजकल कई प्रकार के चलते हैं, कोई वेबसाइट पर हमारे यहाँ से कोई आदेश निकला है क्या? नहीं, 2 साल पहले एक एंकर ने एग्जीक्यूट किया उसके बाद। अरे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई आपके पास कोई आदेश हो तो मुझे बता दीजिए, मैं राज्य का, हाँ ये भ्रामक प्रचार है, मैं राज्य का मुख्य सेवक हूँ, ऐसा कोई आदेश नहीं निकला। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।